संवैधानिक चेतावनी। अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। हाइपर फंड में जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं ब्लॉकचेन को गलत बोलता हूँ, मैं क्रिप्टो करेंसी को गलत बोलता हूँ तो मेरे काबिल दोस्त। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो मैं ब्लॉकचेन को गलत बोलता हूँ ना मैं क्रिप्टो करेंसी को गलत बोलता हूँ। ये दोनों भविष्य की डिमांड है, इनको मैं गलत बोलूँगा अभी तो ये गलत साबित नहीं हो जाएंगे, वहाँ पर मैं ही गलत साबित हो जाऊँगा, राइट। लेकिन मैं गलत किसे बोलता हूँ? मैं आपके उस प्लान को गलत बोलता हूँ जिसे सिर्फ मैं ही नहीं दुनिया के बहुत सारे देश गलत बोलते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर कि वो हाइपर फंड को गलत बोलते हैं लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको जो बीच की फाइन लाइन है ना, इसको समझना पड़ेगा। यदि मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल बताऊँ तो जर्मनी में अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कंप्लीट वीडियो है मैं इसके बाद डालूंगा, एक दो दिन का समय लगेगा। जर्मनी की गवर्नमेंट बोल रही है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब आप बोल दीजिए कि जर्मनी तो ऐसे ही उठाई गिरा देश है, क्योंकि आप लोगों को शायद ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं ना वही सही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, भविष्य की डिमांड है। ब्लॉकचेन बिल्कुल सही है, भविष्य की डिमांड है। लेकिन जो आपका प्लान है ना, ये स्कैम है, राइट। आपका प्लान स्कैम है। ये यदि वर्ल्ड फेडरेशन की नज़र से भी आप देखोगे तो भी स्कैम है, यदि आप किसी कंट्री की नज़र से देखोगे तब भी एक तरीके का स्कैम है। ओवर प्रोमिसेस में बहुत सारे हैं। यदि आप भारत के दृष्टिकोण से देखोगे तब भी इस प्लान में बहुत सारी खामियां ही निकलेंगी। इसीलिए ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि आपके प्लान को जो है गलत बोल रहे हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, राइट। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में जर्मनी में क्या हो रहा है, जर्मनी की अथॉरिटी क्या बोल रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे।